आज पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, राष्ट्रपति मैक्रो, पीएम फूमियो किशिदा समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद दूसरे विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने वहां महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। पीएम मोदी इस मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे। घटना को लेकर भारत ने इटली सरकार से शिकायत की है और दोषियों को पकड़ने की मांग की है। मामले की जाँच की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड के रास्ते में एक रेस्टोरेंट में लंच किया और इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ बातचीत की और फोटो भी खींचो। क्या बना रहे हैं कब आए यहाँ? एक साल हो गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा राजस्थान से खबर है। अशोक गहलोत सरकार में बने 17 नए जिलों की समीक्षा की जाएगी और भजनलाल सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 कर दी थी। उसके अलावा संभागों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, 7 संभाग से बढ़ाकर 10 कर दिए गए थे। तब बीजेपी ने इस फैसले का विरोध किया था। बीजेपी सरकार बनने के साथ ही इस फैसले पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। मौजूदा भजनलाल सरकार ने अब इस फैसले की समीक्षा करने का आदेश जारी किया है। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है जिसका संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। ये समिति नए जिलों को खत्म करने या जारी रखने पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और पेमा खांडू फिर बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। आज सीएम पद की शपथ लेंगे पेमा खांडू। अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ईटानगर पहुंच गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। पेमा खांडू 2016 से अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद पहली बार पदभार संभाला था। उस समय वो कांग्रेस में शामिल थे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर पीएम मोदी ने उनको गले लगाने की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी के गले लगाने की इस तस्वीर के मायने काफी बड़े हैं। दिल्ली में गठबंधन सरकार और टीडीपी की अहम भूमिका पर विपक्ष के सवालों के जवाब के रूप में इसे देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेने के बाद जब मंच पर बैठे पीएम मोदी से मिलने गए तो उन्होंने नायडू को पहले गुलदस्ता दिया और फिर गले से लगा लिया। इस तस्वीर के सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। समझा जा रहा है कि तस्वीर से मोदी और नायडू के बीच मजबूत बॉन्डिंग का संदेश बिना कुछ कहे ही चला गया है।